हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एक्सेल। मैं हूं रवि स्वामी, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न एक्सेल पे। दोस्तों, आज आपके लिए लाए हम इंसर्ट मेन्यू का वीडियो। जी हां दोस्तों, हमने एमएस वर्ड सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आपको हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और होम मेन्यू की जो रिबन्स बार में टॉपिक्स है वो हमने सबको कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं आज हम इसको कवर करेंगे, सबको अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने डेटा की ओर। लेकिन हाँ, इससे पहले दोस्तों आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, प्रेस दी बेल आइकन, जिससे हमारे लेटेस्ट या नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को हमारे तुरंत देख सके। तो हम चलते हैं अब इंसर्ट मेन्यूज के ऊपर। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है दोस्तों कवर पेज। कवर पेज, जैसे हमने जाते हैं कि कवर पेज हमारी बुक्स होती है, कॉपीज होती है, उनके ऊपर जब फाइल अप फर्स्ट पेज होता है वो कवर होता है दोस्तों वहां पर। तो जैसे हम यहाँ पे अगर एमएस वर्ड के अंदर हम बनाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एमएस वर्ड है ऑलरेडी वो यहाँ पे बहुत सारा आपको कवर पेज दे रखा है। यहाँ पे आप मोर कवर पेज भी कर सकते हैं फ्रॉम offline.com से, और यहाँ से आप कवर पेज भी ले सकते हैं कि जैसे मुझे ये कवर पेज लेना है तो मैं यहाँ पे कवर पेज ले लूंगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कवर पेज है वो यहाँ पे इस प्रकार से आपको पेज का शो करेगा, जो कि हमारा फर्स्ट पेज होता है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा होता है ब्लैंक पेज। सपोज करो मेरे को यहाँ पर काम करा हुआ है कुछ यहाँ पर, और मुझे एक नेक्स्ट पेज चाहिए यहाँ पे, जबकि हमारे पेज नंबर एक ही है। अगर मुझे एक और नेक्स्ट में ब्लैंक पेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में दूसरा पेज आ जाएगा, जिसमें मैं ब्लैंक पेज पे आ गया हूँ। यानी कि मैं इस पे हाफ एंड पेज पे काम किया और मेरे पास नेक्स्ट ब्लैंक पेज इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा पेज ब्रेक। सपोज करो मैंने कुछ डेटा लिखा है, और ये डेटा मैंने लिखा हुआ है, अब सपोज करो मुझे जो यहाँ पे थीम है, थीम से मुझे अगर ये डेटा नेक्स्ट होता है जो मुझे नेक्स्ट पेज पे टाइप करना है, तो मैं क्या कहूंगा, इस पेज को ब्रेक करूंगा। यानी कि इस पेज जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा, और जो ऊपर है वो डेटा आपको ऊपर रख लेगा वहां पर पेज। ठीक है, इस प्रकार से डेटा यहीं रह जाएगा, और जहां से हमने पेज को ब्रेक किया है वो पेज यहाँ पर आपको डेटा प्रेजेंट कर देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ब्रेक, पेज ब्रेक इस प्रकार से यूज होता है हमारा, ताकि कुछ भी होता है तो जैसे डेटा यहाँ पे हमें दोबारा कॉपी पेस्ट करना ना पड़े, सीधे पेज ब्रेक कर दो तो आगे नेक्स्ट पेज पे ये चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे हुआ है पेजेस कम्प्लीट यहाँ पर, और हम चलते हैं अब टेबल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से टेबल दे रखी है, या तो आप अपने हिसाब से रो और कॉलम सेट कर सकते हैं कि मुझे कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं इस प्रकार से, या आप खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल करके। और यहाँ पे जैसे मुझे 5 कॉलम्स चाहिए या फिर 2 रोज चाहिए, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर प्रेजेंट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें टेबल में और हम आएंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, और एक्सेल सेपरेट शीट, यानी कि जो हमें एक्सेल की सेपरेट शीट होती है वो सेम यहाँ पे अगर लानी हो तो किस प्रकार से लेके आएंगे, तो यहाँ पे टेबल में एक्सेल सेपरेट शीट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे एक्सेल सेपरेट शीट यहाँ पे आ जाएगी। अब जिस प्रकार से आप वहाँ पे डेटा प्रेजेंट करते थे, वही डेटा यहाँ पे आप प्रेजेंट एक्सेल शीट की तरह कर सकते हो। इनका यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर सम करूँ इनका, तो यहाँ पे सम भी हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सम भी, मतलब एक्सेल की शीट की हम यहाँ पे काम कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, इस प्रकार से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको वही एक्सेल का दिखेगा, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा टेप, वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्सेल का यूजेस दिखेगा इसके अंदर से। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे एक्सेल की शीट है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी किया है ये, और ये हमारा टेबल कम्प्लीट हुआ। यहाँ पर हमने आपको सीखा कि टेबल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको डेटा चाहिए वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिक्चर। तो दोस्तों पिक्चर्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं पिक्चर्स अगर आप इंसर्ट करना चाहोगे तो पिक्चर्स इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, जैसे मैंने पिक्चर्स इंसर्ट करी, तो यहाँ पे आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑफलाइन पिक्चर आपके पास में, इसलिए आप उसको ऑफलाइन पिक कर सकते हो। यदि आपको ऑनलाइन पिक चाहिए तो ऑनलाइन भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाना होगा और आपके पास नेट होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है, लाइक मुझे सचिन की फोटो चाहिए अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं सचिन डालूंगा। जैसे यहाँ पे इस फोटो को अगर मुझे लेना है तो इस पे करके मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। जैसे इंसर्ट करूंगा यहाँ पे पिक्चर्स मेरे पास में इंसर्ट हो जाएगी, तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा शेप्स। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त शेप दे रखे हैं कि आप कोई से शेप्स को किस प्रकार से यूज करते हैं। सपोज करो कि मुझे
ये शेप ले लेता हूँ सिर्फ मैं स्माइल्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने स्माइल का शेप ले लिया है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास में एक फॉर्मेट टैब अलग से आ जाएगा दोस्तों, जिसमें आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इसका शेप देना है कि कौन से कलर में देना है तो ये कलर आ गया। अगर आप आउटलाइंस रखनी है, मुझे आउटलाइंस कौन सी रखनी है, तो जैसे ग्रीन रखनी है आउटलाइंस, या फिर शेप का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से हो, किस प्रकार से इफेक्ट हो इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको इसके मिल जाएंगे, पोजीशंस किस प्रकार होनी चाहिए इसकी, कि पेज के कहाँ पे होनी चाहिए, साइड में या यहाँ पे पेज की पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे अलाइनमेंट्स हो जाएगा, इसका रोटेशन हो जाएगा, इस प्रकार से रोटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इंसर्ट यहाँ पे ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप कोई सी शेप्स को किसी प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शेप भी सीख ली है। नेक्स्ट है हमारे स्मार्ट आर्ट दोस्तों, ये होता है हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। जब भी हम एमएस वर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो कुछ डेटा इस प्रकार से शो करना पड़ता है। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे इस प्रकार से ले सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आप किसी प्रकार से यहाँ पे शेप ले सकते हैं। जो कि हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन होती है, उनमें डेटा शो करना पड़ता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे, यहाँ पे डिजाइन का और फॉर्मेट का दोनों ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और से एड शेप करनी है तो एड शेप कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एड शेप हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। एड बुलेट करने है तो एड बुलेट कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। और आप इसमें अगर चेंजेस चाहते हो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। और यदि आपको शेप ही चेंज करनी है कि मुझे इस प्रकार से डेटा लेना है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो शेप स्मार्ट आर्ट है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब भी हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा चार्ट दोस्तों, हम यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे चार्ट आपको जिस प्रकार का चार्ट चाहिए वो इस प्रकार से हम यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस प्रकार से सपोज कि मुझे इस प्रकार से चार्ट चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट क्रिएट करके उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे जैसे चार्ट ले लिया, यहाँ पे एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डेटा ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर सकते हैं अलग से, तो ये ऑटोमेटिक आपको एडजस्ट करके दे देगा यहाँ पर, या फिर आप डेटा इसमें अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पिक्चर शेप के लिए स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट। दोस्तों स्क्रीनशॉट क्या होगा, सपोज करो कि मेरे पास में और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद आपको बोला गया कि ये विंडोज आपके पास अवेलेबल है, किस स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीन क्लिपिंग करनी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन क्लिपिंग आपके पास में, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग करनी होता है, सपोज करो मुझे अभी मेरे पास खुली हुई नहीं है यहाँ पर, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ओपन करके, और एक एक्सेल शीट भी ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरे पास में टैब्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट पे जाऊँगा। अब आपके पास में देखो यहाँ पे एक्सेल शो कर रहा है, और इस प्रकार से यहाँ पे मुझे एक्सेल का स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक्सेल का स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज भी ला सकते हैं इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडिया ऑनलाइन वीडियोस। दोस्तों जैसे ऑनलाइन यहाँ पे इंसर्ट वीडियोस भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियोस के लिए वही करना पड़ेगा जैसे हमने इंसर्ट पिक करी थी, वो यहाँ पे जैसे अगर यूट्यूब से करना, यूट्यूब से कर लो आप। जैसे मुझे देखना है एक्सेल ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे एक्सेल ट्रेनिंग सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास वीडियोज आ जाएंगे बहुत सारे एक्सेल के। जिस प्रकार से आप YouTube से सर्च करते हो, वैसे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और मुझे ये वीडियो लेना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो ये डाउनलोड करेगा दोस्तों और यहाँ पे आपको दे देगा वीडियो। अब आप यहाँ पे आके प्ले कर सकते हो इसको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर दिया, इस वीडियो को आप यहाँ पे आके प्ले भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी मेरे पास में यहाँ पे डेटा बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे प्ले नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे प्ले कर सकते हो। और नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे हमारा हाइपर लिंक। अब जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स है, और मुझे सपोज करो कि यहाँ पे टू मैक्स इसको मुझे इस पैराग्राफ को है जो हाइपर लिंक देना है,
हाइपरलिंक देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, हाइपरलिंक क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी फाइल का यहाँ पे आपको लिंक दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने इसको इसका लिंक दे दिया है स्क्रीनशॉट का, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक के अंदर शो होने लग गया आपके पास में। अब इस पर आपके जब भी कंट्रोल के साथ में आप इसको क्लिक करोगे तो जो आपने इस पर लिंक दिया है वो चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर ओपन हो गई है, मैंने यहाँ पे पिक्चर का लिंक दे रखा था इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे नेक्स्ट है अपना बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है दोस्तों कि सपोज करो मैंने यहाँ पे जो ऊपर में सबको यहाँ दे देता हूँ, जो ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसको मैंने अपने बुकमार्क दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुकमार्क क्रिएट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने अभी तो वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऐड, अब मेरे पास में बुकमार्क ऐड हो गया है। अब सपोज करो कि मैंने जिसको बुकमार्क ऐड किया है वही चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा मेरे को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बुकमार्क पे जाऊंगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है, इसको करना है मुझे ऐड, तो मुझे ऐड कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने बुकमार्क ले लिया, मेरे को मैं अभी यहाँ पे फाइल पे हूँ और मुझे बुकमार्क पे वापस जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा इसको गो टू और मैं अपने बुकमार्क्स पे चला जाऊंगा, फिर गो टू करेंगे। अभी मैंने सपोज करो यहाँ का ऐड कर दिया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ का शो कर रहा है। एक बार मैं वापस आपको बुकमार्क वापस बता देता हूँ, अब मैं वापस एक बार यहाँ का ले लेता हूँ, मैं इस लाइन का पूरे का बुकमार्क से ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ वर्ड टू के नाम से, सॉरी ये नंबर्स नहीं लेता है, इसको कर देता हूँ वर्ड सीरीज, ठीक है। इतना बड़ा भी नाम नहीं ले रहा, बहुत बढ़िया, तो मैं एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकता इसमें, तो इसको हम करेंगे यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और नया ऐड कर देते हैं वर्ड के नाम से वापस, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्ड दे दिया है, और यदि मुझे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ वापस मैंने बुकमार्क ऐड किया था वहाँ पे जाना है मुझे, तो मैं वर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा गो टू, तो मैं अपने वापस बुकमार्क्स पे आपको दिख रहा होगा हाईलाइट हो चुका है कि मैं यहाँ पे बुकमार्क्स दे रखा था। तो ये चीज़ अपने मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप उसका बुकमार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर आ गया हूँ, और जो यहाँ पे आ गया क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे मैंने सपोज करा बुकमार्क्स ले लिया है और बुकमार्क्स में टेक्स्ट है, जो बुकमार्क अपन ने दे रखा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, जो आपने हेडिंग्स दे रखी है, फुट नोट दे रखा है या एंड नोट दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इंसर्ट रेफरेंस भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि मुझे क्या इंसर्ट करना है उसकी जगह, जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि बुकमार्क्स ले लिया मैंने रेफरेंस, और उसकी जगह इंसर्ट करना है मुझे बुकमार्क्स का जो टेक्स्ट है वो रेफरेंस यहाँ पे करना है, तो मैं क्या करूंगा इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो जो मैंने बुकमार्क्स दिया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे जो मैंने बुकमार्क्स दिया था वो लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गई है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइपरलिंक और बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं आप, कि आपको बार बार में जो आपका काम है उसको इजी बना देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सपोज करो मुझे ये लाइन है, इसके लिए स्पेशली कुछ कमेंट्स करने हैं, तो मुझे स्पेशली कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे ऐड लिख दूंगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इम्पोर्टेंट, यानी कि ये चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसे मुझे अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ अगर मैं, तो मैं देखता रहूँगा कि यार ये इम्पोर्टेंट मैंने कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा कि यहाँ पे इसमें डिवाइस में मैंने इम्पोर्टेंट का लिंक दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और यदि इस पर देना हो तो इस पर दे सकते हो आप पेज के ऊपर, ये आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी आप क्या करोगे यहाँ पे आओगे तो आपको जो शो कर देगा आपने इसके ऊपर कमेंट लिख रखा है एक्स्ट्रा, तो हम किसी चीज के लिए यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट्स भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फिर हीडर्स, दोस्तों हीडर्स और फूटर्स आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपने देखा होगा कई टेक्स्ट कंपनीज के अंदर जो जैसे प्रकार से कोई पेजेस होते हैं काफी सारे, तो उसमें जो ऊपर की हेडिंग होती है टॉप की, या आपको मैं बिजली का बिल बता देता हूँ, आपको बिजली का बिल होता है हमारे सबके घरों में आता है, तो उसमें जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड होता है जो भी आपका है वो हमेशा सबके सेम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे मैंने हेडर्स दिया, अगर मैं हेडर्स देता हूँ तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि इस हेडर्स आपको ब्लैंक देना है, यहाँ पे टाइप करना है, इस प्रकार तीन जगह टाइप करना है, या फर्स्ट टाइप करना है, या फिर इस प्रकार से देना है, तो मैं अभी फिलहाल ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल है लर्न एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडर्स ये टाइप कर दिया है, अभी मेरा हेडर्स है जो हर पेज में रहेगा, ठीक है। जैसे प्रकार से जैसे मैं एक नए पेज पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे नए पेज पे मेरे पास में हेडर्स शो कर रहा है, यानी कि ये आपको हर पेज के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे हेडर्स दे सकते हैं। और इस प्रकार से फूटर,
हिडर्स क्या होता है हमेशा टॉप पे रहता है और फूटर्स होता है हमेशा लास्ट में होता है, जैसे क्या होता है ना थैंक यू सो मच वेलकम बैक ऐसे कुछ लिखा रहता है ना, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फूटर भी दे सकते हैं। तो सपोज को मैं फूटर्स यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे फूटर्स लिख दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में जो पेज है उस पेज पर यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे आ गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा दोस्तों तो नेक्स्ट पेज पे मुझे यही शो मिलेगा, देखो दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे टाइप करते हुए कुछ जाता हूँ, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हर पेज के ऊपर हेडर्स और फूटर्स दोनों आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे हेडर्स एंड फूटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर। दोस्तों हमें पेज नंबर भी डालने होते हैं कई पेज पे कि पेज नंबर्स डालना है तो कहाँ डालना है, पेज नंबर टॉप और बॉटम्स पे डालना है तो किस प्रकार से डालना है, लेफ्ट में डालना है, मिड में डालना है, राइट में डालना है, किस प्रकार से पेज नंबर डालना है, जिस प्रकार से आपको टॉप में इंसर्ट करना है वो आपको यहाँ पे सिक्वेंस दे रखा है ऑलरेडी। यदि आपको बॉटम में डालना है तो बॉटम में किस प्रकार सिक्वेंस में डालना है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, और पेज मार्जिन रखना है कि आपको पेज में यहाँ पे डालना है या फिर पेज मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, जो भी आपको होगा। करंट पोजीशन पे देना है कि मुझे जहाँ पे अभी कर्सर आ रहा है वहां उस प्रकार से देना है मुझे। सपोज कर मैं यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे एक पेज नंबर आ गया है, नेक्स्ट पे सेकंड पेज आ जाएगा। जैसे अगर मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड पेज हो जाएगा या थर्ड पेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं अगर यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करूँ टॉप ऑफ पेज पे और ये वाला पेजेस, तो यहाँ पे देखोगे आप पेज नंबर 3, 2 और 1, इस प्रकार से हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्या यूज होता है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स देखना है। कई बार हमारे बुक्स के अंदर जो यहाँ पे तक थ्योरी लिखी रहती है और उसका अलग से टेक्स्ट बार अलग से होता है, तो हम यहाँ पर अलग से भी दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टेक्स्ट आ गया हमारे पास में और यहाँ पे हमने इस बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिखी है। इस प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट करके आप और भी बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो मुझे ये बॉक्स क्रिएट करना है यहाँ पे एडवांस में, मुझे यहाँ पे अलग से मैंने लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे पेज ले सकते हो और यहाँ पे बॉक्सेस बना सकते हो जिसमें आप इम्पोर्टेंट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर अधिकतर बुक्स के अंदर नोट्स बनाते हैं तब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये चीजें, ठीक है। इंसर्ट करके हम नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा क्विक पार्ट्स। यहाँ पे क्विक पार्ट्स क्यों करता है दोस्तों, सपोज करो मुझे यहाँ पे कंपनी का, अब जैसे यहाँ पे पेज खुद क्रिएट करना होता है, यहाँ पे विंडो यूजर नेम देना है, ठीक है मुझे, और यहाँ पे मुझे आके देना है कंपनी का नाम देना है, तो मैं क्या डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में आऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता रहेगा मुझे कंपनी का नाम देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जो क्विक पार्ट्स है वो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं कि आप किस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट भी खुद सेल्फ क्रिएट कर सकते हो एक अलग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना सकते हो आपको खुद का, इसलिए क्विक पार्ट्स आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फिर यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को आप दोस्तों पता ही है, जैसे मैंने एक्सेल के अंदर भी बता दिया था आपको कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप वर्ड ले लोगे कोई सा भी और उस वर्ड को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे मुझे मैं लिखता हूँ लर्न एक्सेल, ठीक है। अब इसके लर्न एक्सेल मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे मैंने वर्ड आर्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे शेप फिल करनी है तो मैं शेप फिल भी कर सकता हूँ, शेप इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से शेप इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है अलाइनमेंट करना है मुझे टॉप पे मिड में या फिर बॉटम में रखना है तो टॉप पे रखना है, वहां पे आ गया। क्रिएट लिंक भी कर सकते हैं दोस्तों इस पेज पे, यहाँ पे सपोज कर मुझे क्रिएट लिंक करना है तो मैं क्रिएट लिंक भी कर लूंगा इसके ऊपर और यहाँ से लिंक क्रिएट भी कर देंगे कि आपको कहाँ से इस चीज का कुछ अगर ओपन करनी है तो इसमें यहाँ पे क्रिएट कर देंगे अपन यहाँ पे लिंक पे, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे आपके आ जाएगा, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप जो भी फॉर्मेट करना चाहोगे वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो फ्रंट और जो भी आपको करना है वहाँ पे कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा वर्ड आर्ट के बाद में आता है ड्रॉप केप। ड्रॉप केप का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सपोज करो मैंने लिख दिया, ये मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ, मैं सोच रहा हूँ जो फर्स्ट फॉन्ट है वो उसकी केप बड़ी हो, तो मैं क्या करूंगा इसमें फर्स्ट केप वो जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर आपने बुक्स में देखा होगा इस प्रकार से यहाँ पे लिखे रहते हैं वीडियोस प्रोवाइडेड टू पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, इस प्रकार से यहाँ पे वी बड़ा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इन मार्जिन करना है इसमें करना है
इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि पूरे पैराग्राफ के साइड में हो मेरा, या फिर आपको करना है सपोज करो मुझे यहाँ पे पूरे में क्रिएट करके एक बार यहाँ पे मैं ड्रॉप के यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ। अब आप पोजीशंस देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे पोजीशंस आप देख सकते हैं अगर ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कंट्रोल किया है और कंट्रोल करने के बाद में मैंने इन मार्जिन, अब आप देखेंगे वी अलग साइड में हो गया है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे शेप में देना चाहेंगे वो यहाँ पे शेप यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप केप, ठीक है। ड्रॉप केप के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट आता है सिग्नेचर्स लाइन। यहाँ पे आप सिग्नेचर्स बना सकते हो दोस्तों खुद के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन कर सकते हो या एड सिग्नेचर कर सकते हो, यहाँ पर खुद का सिग्नेचर ऑनलाइन आप या क्रिएट कर सकते हो ताकि आप जब भी वर्ड के अंदर काम करो और नीचे आपको सिग्नेचर मिल जाएगा, ठीक है। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो आप, इस प्रकार से आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है। सर मुझे ये डेट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे डेट इंसर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट हो रखी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, सपोज को डेट एंड टाइम मुझे ये लेनी है थर्सडे 5 सितंबर, तो यहाँ पे देखो थर्सडे 5 सितंबर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप इस प्रकार से। डेट फॉर्मेट यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का दोस्तों मतलब यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, यानी आपको खुद क्रिएट करना है, टाइप करना है, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो एक नया वर्ड ओपन कर सकते हो या पीडीएफ ओपन कर सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सिर्फ अभी एक्सेल शीट कर लेता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे अभी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मुझे एक्सेल शीट से डेटा लेना है तो मैं यहाँ पे एक्सेल शीट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें भी आपको डेटा चाहिए होता है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इट्स टेकिंग टू टाइम, यहाँ पे एक्सेल शीट इस प्रकार से आ गई है और यहाँ पे मैं कुछ भी काम कर लूंगा एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। ये जो काम आ गया और इसको मैं यहाँ पे आके क्लिक कर लूंगा तो मेरे पास में ये वर्डिंग आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में शीट्स मिल जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको ये भी नहीं करना है तो आप कुछ नहीं इसमें जहाँ पे सपोज करो किसी, ये आपके पास में कॉपी है ब्लैंक, अब आपको किसी अदर कॉपी का आपको यहाँ पे लेके आना है तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर कोई फाइल से आपको टेक्स्ट लेके आना है तो आप फाइल से भी ला सकते हो। जैसे सपोज करो कि मुझे यहाँ पे मेरे रिज्यूमे है वहां से इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इंसर्ट करूंगा तो जो भी मेरे इंसर्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर मेरा डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट से किसी अदर फाइल से भी आप यहाँ पे डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स क्या आ गए, इक्वेशंस। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले काफी सारी है, यहाँ पे अपने आप भी फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मोर इक्वेशन फॉर office.com और इंसर्ट इन न्यू इक्वेशन, यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो अपने इक्वेशन। यहाँ पे फॉर्मूला में फिलहाल बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हो और इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो वो भी आप एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जिस प्रकार से आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में डिजाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको साइंस है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, प्रोफेशनल लाइनियर नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे रहेंगे, इक्वेशन अगर दूसरा लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हो यहाँ पे इक्वेशन और सम, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शंस स्क्रिप्ट रेडिशियल जो भी आपको यहाँ पे लेना है इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे यूज कर सकते हो आप इसमें। यहाँ पे लास्ट है हमारा इसका सिंबल्स। सिंबल्स दोस्तों यहाँ पे सपोज करोगे मुझे मोर सिंबल्स चाहिए, अब आप यहाँ पे देखोगे जो भी आपको यहाँ पे जिस लैंग्वेज में फॉन्ट चाहिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। और सपोज करो मुझे लेनी है कैलरी, सॉरी मुझे इंग्लिश में लेनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जो ऊपर की है जो भी होगी, सपोज करो मुझे एरियल लेनी है, एरियल में यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार से ये, ठीक है। और बहुत सारी है यहाँ पे एरियल ब्लैक, एरियल ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे कोई से फॉन्ट्स वगैरह जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। सपोज करो मुझे ये वाला इंसर्ट करना है इस प्रकार से, ठीक है, डेल्टा वोल्टा जिसे बोलते हैं हम, तो यहाँ पे ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पर आपको इंसर्ट दिखेगा ये, यहाँ पर देखो, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे एक मैं बड़ा करके बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हमने सीखा है आज, इंसर्ट मेन्यू के पेजेस, टेबल, इंस्ट्रूमेंटेशन, लिंक्स वगैरह, कमेंट, हेडर, फुटर और टेक्स्ट और इसके सिंबल्स। तो हम इस वीडियो के अंदर आपने सीखा है इंसर्ट मेन्यू और नेक्स्ट में हम सीखेंगे डिजाइंस और डिजाइन किस प्रकार हमारे यूजेज होती है और उसके साथ में हम सीखेंगे पेज लेआउट जो कि आपको पेज की सेटिंग करना सिखाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमने इसका जो होम मेन्यू है वो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से दे सकते हैं और हमारे एक्सेल्स के वीडियोज भी आप वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।